पोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है दोस्तों। खबरों की माने तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की फर्स्ट लुक रिलीज के साथ यशराज फिल्म धूम 4 की घोषणा भी आधिकारिक कर देंगे। माना जा रहा है कि धूम 4 में मुख्य किरदार के लिए 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक तो है शाहरुख खान, दूसरे हैं अक्षय कुमार और तीसरे हैं रणबीर कपूर। इन तीनों में से एक को ही फाइनल किया जाएगा, जबकि सलमान खान का नाम इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। फिल्म में सलमान खान का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन अफवाहों की माने तो उन्हें निर्माताओं के सामने ऐसी शर्त रख दी कि उन्हें रिप्लेस करना पड़ गया। लिहाजा ऐसे में सलमान की जगह या तो शाहरुख ले सकते हैं या अक्षय, या फिर अभी रणबीर कपूर के नाम पर भी चर्चा चल रही है। हाल ही में संजू के स्टारडम से रणबीर कपूर काफ़ी लोगों की हॉट चॉइस बन चुके हैं, और अब अक्षय कुमार ने जब अपनी गोल्ड दे दी है और गोल्ड इतनी कमाई कर ही रही है, तो अक्षय कुमार भी उनकी पहली पसंदों में से एक है। साथ ही साथ शाहरुख खान, जो कि यशराज के पुराने हीरो हैं, वो भी उनकी पसंद बने हुए हैं। इन तीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। दरअसल सलमान खान नहीं चाहते कि उनके सीन के अंदर अभिषेक बच्चन हो, इसलिए वो इस मूवी से हटे हैं। जाहिर है कि फिल्म के निर्माता इस शर्त से काफ़ी परेशान थे फिल्म में दोनों हीरो को रखा जाए, फिर भी ऐसी स्क्रिप्ट लिखना बहुत मुश्किल था कि जहां ये आमने सामने ना आए। आखिर अभिषेक धूम फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा रहे हैं, तो उनके बिना फिल्म अधूरी है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि शाहरुख, अक्षय और रणबीर में कौन इस धमाकेदार सफ़र का हिस्सा बनता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन होने वाला है धूम 4 में विलन के रोल के अंदर और कौन मारेगा स्पेशल एंट्री, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आप किसे देखना चाहते हैं धूम 4 के अंदर विलन के रोल में।